आगरा में गैर प्रांत की शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां युवक के कब्जे से 630 शराब की बोतलें मिली हैं, जिसकी कीमत करीब 1,50,000 से ज़्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। थाना सदर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सदर क्षेत्र में स्थित बीएसएनएल के ऑफिस के गार्ड रूम में दबिश डाली और उसे वहां पर शराब मिली। वहां से थाना पुलिस ने 630 शराब की बोतलें बरामद की हैं, जो कि दूसरे राज्य के मार्का की हैं।